मैं ये आपसे कहना था कि आप कुछ इटली आए तो इटली को भी वैसे एक्सप्लोर करें जैसे आपने अभी 3-4 मुल्क घूमने गए थे, तो मैं एक बार बिल्कुल इटली को भी करूंगा। आकर घूमें। बस मुझे ये होता है कि लाइक आपके जो व्यू एंगल होता है ना, आप अपने एंगल से इटली को दिखाएं, जी इटली ये है, बिकॉज हाँ बिल्कुल, इटली इटली की अपनी एक चार्म, इटली एक हिस्ट्री है, हाँ इटली की बिल्कुल। वाइब है। हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अक्सर जर्मनी की वीडियोस अपलोड तो करता रहता हूँ, मगर नीचे कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि आप इटली के स्टूडेंट वीज़ास की वीडियो अपलोड नहीं करते। रेस्ट अश्योर्ड कि आज मैं ये वीडियो इसलिए ही बनाई है क्योंकि एक स्टूडेंट हमारा है, मुकर्रम इनका नाम है, और इनका इटली का स्टूडेंट वीज़ा लगा है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। येरा जी मेरा वीजा ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला पेपर लगा जी, हुआ है, ये इनके आर्टिकल्स वगैरह कुछ सही लगेंगे। है। अब आप मुझे बताओ, क्यों इटली क्यों सिलेक्ट किया आपने? देखिए मिनाल भाई, मेरी ना शुरू से एक विश थी कि मैं ना फॉरेन स्टडी करूं, लेकिन हम सबको पता है कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करो तो आप जो है ना यूके वगैरह और कनाडा इतनी आसानी से नहीं जा सकते, तो इटली एक सेफ ऑप्शन लगता है, और एक ये है कि इतना ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ती तो आप आसानी से इटली भी पहुंच जाते हो, आपका जो है ना हायर स्टडीज़ का अब्रॉड जाके पढ़ने का ख्वाब वो भी पूरा हो जाता है। मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए ना, तो समहाउ मैं उसका जो है इतना क्लियर नहीं कर सका बिकॉज उसका क्राइटेरिया थोड़ा हाई था, मैं उस क्राइटेरिया को नहीं मीट कर सका। उसके बाद मैं बिल्कुल डिसहार्टेड हो गया था कि मैं अब क्या करूं किधर जाऊं, तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखी थी, तो वहां से मुझे आइडिया आया कि जी इटली भी आप एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हो। पहले मैं जर्मनी को कंसिडर कर रहा था बिकॉज आपकी बहुत सारी वीडियोज जर्मनी के लिए थी, लेकिन वही मसला आ जाता है ब्लॉक अकाउंट का, और सेकेंडली जर्मनी के लिए आपको लैंग्वेज भी करना पड़ती है, तो ये मैं हैदराबाद में रहता था तो कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है ना इसका, तो सही बात ये है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने आपको रीच आउट किया, बल्कि आपको रीच आउट करने से पहले मैंने कुछ कंसल्टेंट्स के पास गया, मैंने कहा जी मुझे इटली जाना है, तो उस टाइम फरवरी का एंड चल रहा था, तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स ने मुझे ये कहा जी आप एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं, आप नेक्स्ट ईयर की इनटेक के लिए ना अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने आपसे रब्ता किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, रब्ता किया था तो फिर आपसे मीटिंग हुई थी मेरी, तो आपने मुझे कहा था जी एडमिशन अभी चल रहे हैं आपका हो सकता है, लेकिन आपने आइल्स किया हुआ, मैंने कहा नहीं मैंने अभी आइल्स नहीं किया था, आपने बताया कि जी पहले आप आइल्स कर लें तो फिर आपके लिए ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, और 25th मई को मेरा रिजल्ट आ गया था, मैंने 6.5 बैंड स्कोर किया उसमें, फिर मैंने आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को वो दे दिया था आइल्स का रिजल्ट, उन्होंने मेरा जो है फॉरन एडमिशन अप्लाई कर दिया था, और और फिर एक महीने बाद मुझे आपने लेटर इंटर रिसीव पास आउट करा हुआ है, तो आपकी क्या जी इंटर परसेंटेज है किया इंटर में? मेरी थी 93%। भाई साहब, मतलब परसेंटेज भी आपकी काफ़ी, आप चालाक बच्चे हो ना, थोड़े स्मार्ट हैं भाई ये। मतलब इटली का बहुत ज़्यादा अच्छा वीज़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि 95% वीज़ा रेशो। मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, इट्स अ गुड वीज़ा रेशो अगर आपकी फाइल अच्छी हो। इनकी 93% थी। ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली हमारे एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स की वीज़ा लगा, तो वो रीन्यूएबल एनर्जी में उनका एडमिशन हुआ था और उनकी 2.5 CGPA थी, तो उनका भी वीज़ा लगा। उनका आइल्स का बैंड 7.7 था, तो कम CGPA वालों बच्चों का भी या कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी वीज़ा लगता है। 60% से बस ऊपर ऊपर हो, आपको फाइल भी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए कि कैसे जी आप बिल्कुल फाइल तैयार करो और कैसे। अच्छा, इसके अलावा ये आपकी परसेंटेज हो गई, आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में इटली में एडमिशन हुआ और कौन से कोर्स में? मेरा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में BS सिविल इंजीनियरिंग। अब मुझे दूसरी बात बताओ कि चलो आपने हमसे कांटेक्ट करा, फिर बस आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद आइल्स किया, आइल्स करने के बाद मैंने जो है वो आप पे छोड़ दिया कि जी कहाँ पे अप्लाई करते हैं। बेसिकली मैंने ऑप्शंस दिए थे कि जी मेरा या तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में कर दें या फिर मेरा जो है वो IIT में कर दें, लेकिन समहाउ उस टाइम में एडमिशन जो थे चंद यूनिवर्सिटीज़ के जो है ओपन थे, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो बिल्कुल ऐसा ही। उन आप लोगों ने मेरा फिर जो है वो सिविल में भेज दिया था। मई में तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन एडमिशन्स बंद हो चुके होते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी कि नहीं यार मैंने जाना है बस, और आप ऑलरेडी थोड़ा टाइम वेस्ट कर चुके थे अपना, तो हमने बोला नहीं लेट्स ट्राई। जी अच्छा, इसके अलावा भाई आपका वीज़ा इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ? कराची से वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता, ये सिर्फ हो इस्लामाबाद तो इस साल एम्बेसी वाले ले इस्लामाबाद जी से भी नहीं रहा, काफ़ी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के बगैर ही वीज़ा लगता है, मगर कभी कभी वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं,
तो उस चीज़ के लिए। अच्छा, तो आपने अपनी फाइल तैयार करी, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बताए, और वो आप जाके कहाँ पे जमा करवा कर आ गए? VFS ग्लोबल में, लेकिन VFS। मैं थोड़े से एडिशन करना चाहता हाँ हूँ। सही। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो DOV के प्रिपेयर कर लिए, और जब मैं एक दफ़ा अपनी फाइल पूरी प्रिपेयर करके बना के लेकर गया हूँ जेरिस में, वहाँ जाके मुझे पता चला कि आप जो है ना वो DOV नहीं बना रही। फिर अगस्त में वो बंद था, फिर मैं सितंबर में सीमिया के लिए अप्लाई किया। असल में होता ये है कि रिक्वायरमेंट्स हर वक्त अपडेट होती रहती हैं। पहले जी DOV मांग रही थी, फिर अचानक से उन्होंने बोला कि सीमिया दो, तो फिर आपको अगस्त में फिर से सीमिया के लिए अप्लाई करना पड़ा। और वरना आपका हो सकता है पहले भी काम हो जाता। आप सही कह रहे हो सकता है आपका पहले वीज़ा लग जाता, क्योंकि क्लासेस तो आई सपोज स्टार्ट हो गई हैं अभी तक। मगर वो जी कभी मेरा कभी महीना होता है हो कि गया। कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं। इटालियन शुरू में वो बोलते हैं DOV करो, फिर वो बोलते हैं नहीं सीमिया दो। अच्छा, सीमिया की जैसे बात हो रही है, तो सीमिया क्या चीज़ होती है भाई, ये बता दो। DOV की तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके VFS ग्लोबल या एम्बेसी में जाके जमा करवाते हो, और वो आपको वो वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। देखिए सीमिया भी जो है वो इक्वालेंट ही है, जी आपकी एजुकेशन बताता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन इटालियन एजुकेशन के बराबर है, ये भी लाइक DOV की तरह। लेकिन इसमें कॉन्सुलेट इस वजह से कर रहा है कि यहाँ पे इनका टाइम बच जाता है, बिकॉज सीमिया जो है वो थर्ड पार्टी बना रही है, इटालियन जो है वो ही बनाएंगे सीमिया, तो इस तरह से कॉन्सुलेट का भी टाइम बच जाता है। और दूसरा ये कि उनके लिए आसानी हो जाती है कि अगर हम सीमिया उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें DOV में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मे बी दिस इज द रीजन के कराची कॉन्सुलेट के वीजा जो है वो रेशो अच्छा है इस्लामाबाद एम्बेसी से। बिल्कुल, होता ये DOV की तरह ही है, ये आपकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ही होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं वो लोग, और बोलते हैं कि जी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं बेशक अगले ही दिन जाके। इससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसकी भाई कोई फ़ी होती है तो वो भी बता दो। इसकी बिल्कुल फी होती है, मैंने जैसे बैचलर्स के लिए तो मेरी रिक्वायरमेंट थी सीमिया कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, एक वेरिफिकेशन के लिए भी होता है, लाइक वो मास्टर्स वालों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपेरेबिलिटी की जो नॉर्मल फी होती है 150 यूरोज होती है, लेकिन चूंकि मुझे देर हो गई थी तो मैंने उसको अर्जेंट में अप्लाई किया था, जिसकी मुझे 250 यूरोज फी लगी थी। और वो आपने ऑनलाइन पे करे थे VFS ग्लोबल में, वो नहीं आपने पे करे थे। टू नहीं हंड्रेड एंड फिफ्टी यूरोज वैसे 150 यूरोज होती है। देखिए, मैं एक टिप देना चाहूँगा जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि चाहे इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करें हो तो आपको चाहिए कि आप काफ़ी पहले अपना सीमिया बना लो, बिकॉज टाइम बचेगा आपका। सही है। आपका सीमिया आ गया, आपका अपॉइंटमेंट मिल गई, आप डायरेक्ट जाके जो है अप्लाई कर दें। वैसे कराची में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद वालों को है। हाँ, इस्लामाबाद वालों को भी अपॉइंटमेंट की ऐसे ज़रूरत नहीं है। कराची वालों को तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है ना, कि सुबह सुबह जी VFS ग्लोबल बस पहुंच दिन जाओ। के जो 10 बंदे उन्होंने करने। दिन के 10 बंदे वो लोग लेते हैं, कि सुबह सुबह आप पहुंच जाओ लाइन में। आप अगर 10 बंदों के शुरू वाले 10 बंदों में आप पहुंच गए तो आपको वो अंदर ले लेंगे, वरना वो बोलेंगे कल आओ। मगर इस्लामाबाद में वो इस्लामाबाद एम्बेसी खुद ही बुला रही है। वो आपको रोज़ ईमेल आती है, और ईमेल जब आप यूनिवर्सिटी पे अपनी प्री इनरोलमेंट समरी फाइल करते हो तो ईमेल आती है आपको एक कि जी आप इस दिन आ जाएं हमारे पास, और आप उस दिन जाते हैं। तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में जो अगर कोई मसला आया हो, जो आप स्टूडेंट्स को और बताना चाहते हो कि नहीं यार इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखिए। आप अपने जो बैंक स्टेटमेंट है ना, आप उसको जस्टिफाई कर सको, बिकॉज आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं ना वो आप पूरी तरह प्रूफ दो, और जो आपने एफिडेविट में लिखवाया है कि आपका ये बिजनेस है, या ये आपके प्रॉपर्टीज वगैरह, ये आपके जॉब्स हैं, उनके प्रॉपर पेपर्स दें, पे स्लिप्स वगैरह दें, ताकि वो ये समझ सकें कि जी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनी है वो इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार हुई है। और सेकेंडली ये कि इट्स बेटर कि आपका रनिंग अकाउंट हो, उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अच्छा, इस केस में कौन था आपका स्पॉन्सर, मेरे फादर, और कितनी बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाई अगर आप बताना मांगे? मेरी मेरी 1.7 मिलियन। जी मतलब 17 लाख रुपए आपकी बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स दिखाए, जी बिल्कुल दिखाए, जी और बिल्कुल सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जस्टिफाइड दिखाए कि वालिद साहब मेरे बिजनेस करते हैं, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी बेच के डॉक्यूमेंट्स आए, जो भी। जी ऐसा ही है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब भी है, और साथ में उसका उनका साइड में बिजनेस भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके अलावा जो घर वगैरह होते हैं, घर के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, तो ये सारा कुछ जस्टिफाई किया था एफिडेविट के अंदर ना। ज़बरदस्त। ये आप डॉक्यूमेंट्स अपने दिमाग में रखिए, आइल्स ज़रूर करिए अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, आइल्स कर लीजिए,
नवंबर दिसंबर में एडमिशन्स खुलना शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। आपको अगर कोई भी बोले कि 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, वो झूठ है। मतलब मिल सकती है, मगर ज़ाहिर है उसके लिए मुकर्रम की तरह आपकी 93% होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि नहीं जी आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पहुँच जाओगे, तो ये गलत है। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि 100% वीज़ा लग जाएगा आपका, वो तो पक्का पक्का झूठ है। मतलब आपको मैंने शुरू से लेकर आखिर तक, आपने जब मुझसे पहले दिन पूछा और लास्ट दिन जब आपने पूछा, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, मेरा एक ही जवाब था, आपको पता ही होगा, कि मैं वीज़ा का नहीं बता सकता आपको। हम सारी फाइल तैयार कर सकते हैं, मुकर्रम, वीज़ा हम, हालांकि इनकी इतनी अच्छी परसेंटेज है। तो ये सारी बातें अगर कोई आपसे करे, तो आप इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिए। और बेशक आप खुद से अपना प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करिए, यार इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, आप लोग वो देख के अपना प्रोसेस, मगर किसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप इतने केपेबल नहीं हैं, आप नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम से, या कैलेंडली के थ्रू आप मेरी क्लास बुक कर सकते हैं और हम वहाँ आपका केस डिस्कस कर सकते हैं। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है हाँ बोलिए। मिनाल भाई, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जब वीडियोस बना रहे हैं तो आप भी इटालियन स्टूडेंट को डील करते हैं, आपकी वीडियोस भी इस तरह से लाइक इन्फॉर्मेटिव आनी चाहिए। आपकी वीडियोस जब आती हैं तो जर्मनी के स्टूडेंट से लेके जर्मनी पे ही पूरी हो जाती हैं, तो लाइक हाँ ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आपने बिल्कुल सही बात करी, मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा इनके बारे में, बस मुझे थोड़ा सा, मैं मसरूफ़ रहता हूँ इन सारे कामों में, और ज़ाहिर है जब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनेंगे तभी तो मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। क्योंकि मैं जब भी किसी से बोलता हूँ, वो बोलते हैं नहीं, अब देखो आपके साथ मैंने वीडियो बना के कितनी सारी हमने बातें डिस्कस करी, सीमिया के बारे में, जो नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। इस रॉ इन्फॉर्मेशन से ना स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है। अगर मैं एक चीज़ के बारे में वीडियो सर्च करके बना दूंगा ना अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत, तो बच्चे बोलेंगे यार ये तो शायद कुछ बोल रहा है और समझ नहीं आए। अब आपने रॉ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके साथ अभी अभी ये हुआ, तो आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उससे स्टूडेंट को ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ यार इसका अभी अभी काम हुआ है, और ये कोई ऐसी कंसल्टेंट बैठा हुआ बना नहीं रहा है, तो हम इसकी बात सुनते हैं। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा इंतज़ार करते करते बनाता हूँ, मगर मैं ज़रूर और एक्स्ट्रा वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। ऐसी वीडियोज़ मैं और अपलोड करता चला जाऊँगा, और आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई। पीस आउट, चलो इट वॉज माई ड्रीम के पीस आउट करना है आपके साथ। अच्छा चलो, ड्रीम ड्रीम।